आप इसी की तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक से। और आप सभी को जानकारी दे दें कि एक सूचना प्राप्त होती है जिसमें बताया ये जा रहा है कि किस तरीके से दो व्यक्ति, जी हाँ दो व्यक्ति, जिनकी जो शिनाख्त नहीं हो पा रही है, लावारिस हालत में जो है ट्रैक के पास पड़े मिलते हैं, जिसके मेमो की सूचना के बाद रेलवे पुलिस हरकत में आ जाती है। आप सभी को जानकारी दे दे, ऐसा प्रतीत होता है कि वो रेलवे ट्रैक पार करते हुए चल रहे होंगे, जिसके कारण जो है किसी ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और जिसके कारण उनकी जो है मौत हो जाती है। आप सभी को जानकारी दे दे, एक तो जो व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 40-45 वर्ष बताई जा रही है, और कहीं ना कहीं सरदार जी है, जी हाँ लगभग उसके जो आइडेंटिटी है वो ये निकल पा रही है कि वो सरदार जी लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही है क्योंकि वो अभी तक लावारिस। और वहीं एक बाबा लग रहे हैं, जो दूसरा व्यक्ति है एक बाबा लग रहा है, जिसने काली शॉल और नीली और तीन तरह के कलर की शॉल ओढ़ी हुई है, और जानकारी ये मिल पा रही है कि उसने ऑरेंज कलर की सैंडो भी पहनी हुई है, जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर, जी हाँ कलानौर रेलवे ट्रैक पर उनकी बॉडी बरामद कर दी जाती है और अब उन्हें मर्चरी हाउस में रखा गया है। जानकारी मिल पा रही है 72 घंटे के लिए उन्हें मर्चरी हाउस में रखा जाएगा, और उसके बाद अगर उनका शव नहीं किसी के सुपुर्द होता या फिर उनका कोई भी जानकार नहीं मिल पाता है तो उनका जो है स्वयं सेवी संस्था को सौंप कर जो है उनका अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा। आए दिन ट्रेन पर चपेट में होने के मामले सामने आते नजर आते हैं, और आप सभी को जानकारी दे देंगे कि कभी भी ट्रेन का रास्ता पार कीजिए, कभी भी ट्रैक को पार कीजिए, तो कभी भी ट्रैक को पार करते समय हमेशा पुल्स का या फिर कोई भी ओवरले ब्रिज का यूज कीजिए, क्योंकि ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं बोधराज से, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। चाहेंगे कि आपके जो मामला सामने आया था जिसमें सर बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति जो है ट्रेन से कटकर मर जाते हैं, सर क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पाई है? 3/2/2023 को 10:30 रात को एक रेलवे मेमो मिली जी, जिसकी कार्रवाई के लिए एएसआई बलजीत सिंह को भेजा गया। यमुनानगर जिगाल जी कारण और ट्रैक के बीच में यह डेड बॉडी थी, तो बलजीत सिंह ने मौके पर जाकर देखा कि वो कलानौर स्टेशन और यमुनानगर के बीच में जो डेड बॉडी पड़ी थी वो देखने में सरदार टाइप का व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसकी जामा तलाशी कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे उसकी पहचान हो सके जी। सरदार जी ने काले रंग की लोअर पहन रखी थी और सफ़ेद काली नीली डिब्बीदार कमीज पहन रखी थी। तो शव को मौके से उठाकर मोर्चे में 72 घंटे के लिए रखा गया। सर क्या कुछ लग रहा है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब हर व्यक्ति ट्रेन की चपेट में रहे, क्या सर ट्रैक पार कर रहा था या फिर ये लावारिस हालत में पड़ा ही मिला? जानकारी सर ये हालात से ऐसा लगता है जैसे ट्रैक के साथ साथ चल रहा था तो किसी ट्रेन की चपेट में। सर कोई इसका वाली वारिस अभी तक मिल पाया है? सर जामा तलाशी कोई चीज बरामद नहीं जिससे इसकी शनाख्त हो सके। सर कोई टैटू हाथ में या कुछ ऐसा या फिर कुछ कड़ा कंघा या कुछ इस प्रकार की कोई ऐसा कोई भी चीज? सर जो दूसरा प्रकरण आया, दूसरी जो मिली है उसका क्या कुछ है? सर वो दिनांक 29/3/2023 को 7:30 बजे रेलवे की मेमो एक प्राप्त हुई, इसी कार्रवाई के लिए मैं गया था, तो यमुनानगर जगाधरी और कलानौर के बीच ये डेड बॉडी पड़ी थी जी। तो ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये बाबा कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो, ट्रेन से गिरा हो जी। इसने भगवे रंग का लंगोट पहन रखा था और सैंडो बनाई थी, एक साथ में शॉल थी काली पीली नीली थी ऊपर लेने के लिए, बाकी बाबा ट्रैक में तो कोई सी चीज तो ऐसी बरामद। सर ये वाला शव कहाँ बरामद हुआ है रेलवे ट्रैक पे? ये दोनों शव सर साथ साथ ही बरामद हुए हैं। अच्छा, कलानौर यमुनानगर जगाधरी के बीच। सर क्या कुछ लगता है इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये इनका कोई नहीं है, तो सर किसी स्वयं सेवी संस्था को सौंप दिया जाएगा इनका शव? हाँ सर, जैसे जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकती तो हम वो संस्था को शव सौंप देते हैं संस्कार करने के लिए जी। सर इसके पास कोई सर कोई इसका वाली वारिस या ये दोनों शव ही लावारिस है? सर ये दोनों ही शव लावारिस है, इनसे कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं जिससे इनकी शिनाख्त हो। तो सर इसमें 174 की कार्रवाई? हाँ, इसमें सर 174 की कार्रवाई की जा रही है जी। हाँ, तो मौके पर आप सभी को दिखाने का प्रयास करते हैं बोधराज जी मौजूद हैं और पूरी जानकारी देते नजर आए। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के जो है पुलिस स्टेशन पर है, रेलवे पुलिस स्टेशन पर मौजूद, और जहां पर जानकारी ये मिल पाई है कि दो व्यक्तियों के शव बरामद किए जाते हैं जो लगता है कि ट्रेन की चपेट में आने से जिनकी मौत हो जाती है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर करते रहेगा। इस समय आप लोग देख सकते हैं थाना राजकीय रेलवे पुलिस गवर्नमेंट रेलवे पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर जो है एक दर्दनाक हादसा सामने आता है जिसमें दो व्यक्ति जो है ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। तो अब मुझसे आपको दीजिए इजाजत, बने रहे IBN24 के साथ, नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।